कथा के भंडारे का प्रसाद खाने से गांव व क्षेत्र में करीब 400 लोगों की बीमार होने की आशंका, जिनमें करीब 20 लोगों की हालत अभी भी गंभीर। परिजनों ने आनंद फानंद में एम्बुलेंस की मदद से कराया जिला अस्पताल में भर्ती। सूचना मिलने पर अस्पताल टीम ने गांव पहुंचकर कुछ मरीजों को ग्राम के ही स्कूल में कैंप लगाकर इलाज जारी किया। मामला उगैती थाना क्षेत्र के गांव दियोरी अमृत का है, जहां गांव के ही हाकिम सिंह पुत्र मोहन लाल के यहां शनिवार को कथा में भंडारे का आयोजन चल रहा था, जिसमें गांव व आसपास पड़ोसी गांव से भंडारे में प्रसाद खाने के लिए भंडारे में सम्मिलित हुए। प्रसाद खाकर घर पहुंचते ही कुछ देर बाद ग्रामीणों की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने आनंद फानंद प्राइवेट वाहन एवं एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए ले जाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दियोरी अमृत कृपालपुर धर्मपुर जैसे पड़ोसी गाँव में करीब 400 लोगों की बीमारी होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीएम सहसवान लाल बहादुर सिंह, तहसीलदार दीपक कुमार चौधरी व फूड इंस्पेक्टर ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली और हाकिम सिंह के यहां मौके पर पहुंचकर शेष बचे हुए प्रसाद का सैंपल लिया गया। एसडीएम सहसवान लाल बहादुर सिंह ने बताया कि कथा में प्रसाद खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र दहगवा सहसवान व जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती करा दिया गया। सभी की हालत में अब सुधार है। एक टीम रात्रि को गांव में ही रोक दी गई, ताकि समय से ग्रामीणों का इलाज किया जा सके।